हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फाइनली आईफोन 6s 7 यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे एक अपडेट एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है, iOS 15.7.2। गाइज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एप्पल अभी तक आईफोन 6s को अपडेट्स दिए जा रहा है। 2023 जो है अभी शुरू होने वाला है और यहाँ पे आईफोन 6s को अभी तक अपडेट्स जो है एप्पल दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आईफोन्स हाँ बहुत महंगे होते हैं, बट यहाँ पे एप्पल इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो देता रहता है कि आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से वो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक अपडेट आया है iOS 15.7.2। 237.4 MB का ये अपडेट है मेरे आईफोन 6s में। इससे पहले अपडेट चल रहा था iOS 15.7 का और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर लिया है अपने आईफोन 6s में। अपडेट से पहले इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन था वो था 15.7.1 19H117। गाइज, इसमें जो पहले अपडेट चल रहा था वो था 15.7.1, ना कि 15.7 मैंने अभी जो है बताया था। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इससे पहले जो इसका जो अवेलेबल स्पेस था वो था 22.53 GB का। टोटल कैपेसिटी है मेरे आईफोन 6s की 32 GB और इसका जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो है 9.61.00। अपडेट मैंने इसको कर लिया था, ये अपडेट हुआ था गाइज जो है वाईफाई से। पर्सनल हॉटस्पॉट से हो नहीं रहा था तो मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट किया, उसके बाद ही अपडेट जो है वो हो पाया था। अपडेट के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो चेंज हो चुका है 15.7.2 19H218 और यहाँ पे इसका जो अवेलेबल स्पेस है 21.74 GB का। सो यहाँ पे स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है और इसका जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। 9.61.00 और पहले क्या था गाइज आप लोग देख लीजिए, कोई भी चेंजेस नहीं, सेम टू सेम था। बस जो स्टोरेज है वो आपको थोड़ा सा और स्लाइटली कम मिल जाएगा। सो यहाँ पे कल एप्पल ने दो अपडेट रिलीज किया, एक था 15.7.2 और एक था iOS 16.2 स्टेबल अपडेट, जो कि बहुत बड़ा अपडेट था। आप लोगों को पता होगा 5G अब अनेबल जो है कर सकते हो अपने फोन्स में। सो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर बना के डाल दी है, उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आपके जो है उसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ नया मिला है आईफोन 6s को। सो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस अपडेट में नया तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आईफोन 6s को अभी तक अपडेट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से भी एप्स जो है वो चला सकते हो, सिक्योरिटी से जो है रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, कह रहा था कि वो 6s प्लस फ़ोन लेने जा रहा है, उसको किसी ने बताया होगा कि जो है उसको अब अपडेट्स मिलेंगी नहीं आईफोन 6s प्लस को, तो ये फ़ोन ख़राब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि आईफोन 6s प्लस और 6s अभी आप जो है 1-1.5 साल तक आराम से यूज़ कर पाओगे, इनमें सारे ऐप्स चलते रहेंगे। 1-1.5 साल क्या, 2-2.5 साल आप आराम से इनमें कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह 2 साल तक तो आराम से भी चलने ही वाले हैं, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपने इस आईफोन 6s में कुछ खास ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है नहीं, इवन व्हाट्सएप यूट्यूब भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आईफोन 6s में कोई अपडेट्स नहीं आएंगे तो मैंने इसको रख दिया था। तो मैंने कल देखा कि अपडेट आया तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वगैरह कैसे क्या है इस अपडेट में, तो बहुत ही बढ़िया दिख रही है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र नहीं आई है। और अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ का क्या सीन है, तो बैटरी लाइफ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम तो पहले थी और मेरे आईफोन 6s में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी सर्विस मांग रही है मैंने इसमें बैटरी जो है वो रिप्लेस नहीं कराई। आप लोग देख सकते हो 76% बैटरी हेल्थ है। सो यहाँ पे मैंने इसको अभी चेंज नहीं कराया और चेंज भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर फ़ोन एक बार खुल जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाती है, इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो ठीक ठाक तो नहीं है, 76% है, और 40 मिनट पहले मैंने इसमें 98% चार्ज किया था तो और अभी है 96%। तो 40 मिनट में इसकी ऑटोमेटिक 2% ड्रेन हुई है, बट काफ़ी लोगों के फ़ोन में जो बैटरी ऑटोमेटिक है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस अपडेट में एप्पल ने इस चीज़ को फिक्स किया है थोड़ा बहुत, कि ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो अब उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगी। सो अगर आपके आईफोन 6s में, 6s प्लस में, 7 में बैटरी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मुझे लगता है ठीक हो गया है। सो इस अपडेट को आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहो तो वेट कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 6s और 7 में ये पुराने फ़ोन्स हैं तो इनमें जो है प्रॉब्लम जो है कभी कभी बढ़ जाती है जब कोई अपडेट आता है। सो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग 24 घंटे का वेट कीजिए, मैं इसको अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ अपने आईफोन 6s में इस अपडेट को। सो मैं आपको एक रिव्यू वाली वीडियो जो है बना के दे दूंगा, तब आप उस अपडेट को कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोन हो गए काफ़ी पुराने और जब भी कोई अपडेट आता है तो यहाँ पे फोन में बैटरी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ओवर हीटिंग जैसा कुछ भी मुझे फेस नहीं पड़ रहा है और कुछ नया तो है नहीं। बाकी ये अपडेट जो था मैंने आपको बताया कि जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है पहले कि आप लोग देख लीजिए, दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इज रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर्स, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्लीज विजिट द वेबसाइट। सो यहाँ पे गाइस सॉफ्टवेयर जो अपडेट आते हैं इसी आईफोन 6s 7 में वो मेनली होते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के लिए, तो आपको कर लेना चाहिए अगर आपको कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं है।
बट यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो एप्पल ने वो फिक्स कर दी है। अभी एक साथ मेरे फोन में कभी कभी 2-2% बैटरी ड्रेन होती है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सो मैंने फोन की जो बैटरी हेल्थ है 76% है, एक रीज़न ये भी है इसकी ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होने की। सो देखते हैं इसका हम क्या सीन हो रहा है जो है अपडेट में बैटरी बैकअप का। फाइनल वीडियो का जो मैं रिव्यू करूँगा तब आप जो है उस अपडेट को कर लीजिएगा अपने फोन में और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।